प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। क्या कह रहे हैं, सेलमैन बाय अ गुड एट $250 इफ़ यू वॉन्ट टू सेल अ गुड फॉर अ, ये थोड़ी तरतीब उल्टी हो गई है, प्रॉफिट ऑफ $75 एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल द गुड। यानी कि अगर एक चीज़ उसने कितने की खरीदी बच्चों, $250 की, और $75 का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो आखिर वो कितने की बेचे? तो भाई सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 250 में 75 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 325, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेलमैन सेल द गुड फॉर 95 ऑन विच ही सफर्ड अ लॉस $55। व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस? सेल गुड कर रहा है 95 की, लॉस कर रहा है 55, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 95 में से अगर 55 माइनस करो तो कितना होता है, 40। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो यार कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखो एक बात सुनो, आप कोई चीज़ खरीदते हो, वो आपकी कॉस्ट प्राइस, जितने की बेचते हो सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो साफ बात है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, अल्लाह ताला हम सबको प्रॉफिट अदा करे, लॉस अदा ना करे, ये दुआएं मांगे। प्रॉफिट व्हेन द बुक्स इज सोल्ड फॉर $148 इज ट्वाइस द प्रॉफिट मेड व्हेन अ बुक इज सोल्ड फॉर $139। व्हाट इज द पर्सन प्रॉफिट इफ द बुक इज सोल्ड फॉर $182? बड़ा गहरा सवाल है, मगर इससे पहले हम ये वाला सवाल करेंगे। Man sold his car for 5,700 with a loss of 5%. 5,700 की बेची बेचारे ने, तो बेचारे को लॉस हो गया। चलो अल्लाह का शुक्र है 5% का हुआ। At what price should he have sold his car to gain a profit of 15%? तो कितने की बेचे कि 15% का प्रॉफिट कमा ले? तो जी ये हो जाएगा 100 प्लस 15, ये 100 माइनस 5। 100 माइनस 5 कितना होता है, 95 होता है। 100 प्लस 15 115 होता है। अब देखो ये 19 के टेबल से घटेगा, बिल्कुल घट जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 5, ये 115 इधर डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई होगा। अब 115 को जब 5 से डिवाइड करें या काटे, एक ही बात है, तो 23 बचेगा। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 69, ये दोनों 0 इधर आ गया। अब कोई बच्चा मुझसे ये भी तो कह सकता है कि सर 300 को भी तो 5 से काट सकते थे। बिल्कुल, देखो कैलकुलेशन में जितने ज़्यादा जीरो होते हैं उतना आसान होती है कैलकुलेशन, तो जीरो को मैं बचा के रखता हूँ, वरना आपका जीरो आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और हैज़ कम्पेयर टू इट, 115 से जब मैंने काट दिया इसको 23 को, तो बहुत आसान था। 23 थ्रीजा 69, 6900 इज योर। लोग कहते थे कि आइंस्टाइन के दिमाग को समझना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जामिनर के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है। और वो समझने लगोगे तो बहुत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट व्हेन द बुक इज सोल्ड फॉर $148 is twice the profit made when the book is sold for $139. What is person profit if the book is sold for $182? अच्छा सवाल है। यानी कि बुक को अगर हम बेचते हैं कितने पे, $148 पे, तो twice profit हो रहा है जब बुक को हम सोल्ड कितने पे कर रहे थे, $139 पे। तो person profit क्या होगा, बुक सोल्ड होगी $182। तो डेयर 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 बड़ा प्यारा, प्यार आखिर क्यों है? क्योंकि देखो दो चार बातें बड़ी कि बुक को अगर हम $148 पे बेच रहे हैं तो डबल प्रॉफिट हो रहा है जितना 139 पे बेच रहे थे। तो सबसे पहले देखो 139 और 148 में फ़र्क कितने का है, $9 है कि नहीं? $9 पे प्रॉफिट एकदम कितना हो गया, ट्वाइस हुआ कि नहीं हुआ ना? $9 पे प्रॉफिट हो गया ट्वाइस, यानी कि 100 से 200 हो गया। प्रॉफिट ट्वाइस होने का मतलब क्या होता है, चीज़ का 100 से 200 होना। अच्छा 100 से 200 होना, इजाफा कितने का हो रहा है, 100%। ये 100% का इजाफा 9 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल प्राइस कितने होंगे, 139 में से 9 माइनस कर, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 130, कॉस्ट प्राइस कितनी की होगी 130। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। जब भी ये ट्वाइस वाली कहानी दी हुई हो कि जी इससे इतना हुआ, तो अब ये देख लो ये अमाउंट कितना है, इसी अमाउंट को इसमें से माइनस कर लो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 130 हो गया और सेल प्राइस सब कह रहे हैं 182, तो भाई 182 में से क्या माइनस कर दो, 130 माइनस कर दो,
52 आ गया। गेन परसेंट हमेशा बराबर होती है गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो जी गेन परसेंट हमारी चाहिए हमें और गेन 52 है, डिवाइड करेंगे 130 इंटू 100, फाइनल आंसर आ जाएगा 40%। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व बनाया है प्रैक्टिस के लिए। प्रॉफिट व्हेन द बुक इज सॉल्व फॉर $192 इज ट्वाइस द प्रॉफिट मेड व्हेन अ बुक इज सोल्ड फॉर $176। व्हाट इज पर्सन प्रॉफिट इफ द बुक इज सॉल्व फॉर 240। 176 और 192 में कितने का फ़र्क है? 16 का, वही ट्वाइस का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 176 में से 16 माइनस कर दो, 160 कॉस्ट प्राइस होगी। और सेल प्राइस अब कितनी, 240 की बात कर रहे हैं, तो गेन ऐसे ही निकलेगा 240 में से 160 माइनस कर दो, ये 80 आ जाएगा। 80 अपॉन 160 इंटू 100, 50% इज योर आंसर। और देखिए, एजेंट बाय एन आइटम एट 70% ऑफ इट्स वैल्यू एंड सेल इट एट 10% मोर देन इट्स वैल्यू, व्हाट पर्सन ऑफ द कॉस्ट इज इज प्रॉफिट। बड़ा ही प्यारा सवाल। देखो कोई चीज़ थी, अब कितनी की थी हमें नहीं पता, लेकिन जो बंदा खरीदने वाला है ना उसने उसकी 70% पे परचेस और 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो हम चीज़ की वैल्यू को कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। 100 का 70% 70 हो जाएगा, 10% मोर का मतलब है 100 प्लस 10 110। अब मेरे भाई सेल प्राइस हो जाएगी 110, कॉस्ट 70 हो जाएगी, गेन परसेंट यही होती है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 40 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, और ये पूरे का पूरा सर्व कर आगे आंसर आपका आ जाएगा 56.57। अब देखो इसमें कैलकुलेशन आएगी 100 अपॉन 7 जो कि बराबर होता है 14.14। अब सुन लो, 100 अपॉन 7 समेत कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ एक अलग से चार्ट बना के, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो याद होनी चाहिए। जैसे कि 100 अपॉन 7 14.14 होता है, ये मैं आपको अभी अलग से बता। देखिए, बैग वॉज सोल्ड फॉर अ लॉस ऑफ 10%, If it was sold for $45 more, it would have gained a profit of $5. What was the cost of the bag? ये सबसे खतरनाक सवाल बनना चाहता है, थोड़ी सी इसकी लॉजिक बना ली है मैंने। देखो यार, 10% लॉस हो रहा था, कितना प्रॉफिट हम कितने प्राइस ज़्यादा पे बेचें, 45 पे ज़्यादा पे बेचें तो 5% का प्रॉफिट होगा। अब देखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि जी अभी इतना परसेंट लॉस या प्रॉफिट हो रहा है और इतने मोर या लेस, दोनों सूरत में एक ही ट्रिक से काम चल जाता है, वो क्या, मोर या लेस जो भी वैल्यू ऊपर दे दो और नीचे लिखो परसेंटेज का डिफरेंस। देखो माइनस 10 और प्लस 5 में फ़र्क कितने का होगा, याद रहे कि एक चीज़ माइनस हो एक प्लस हो हमेशा ही आपस में प्लस होते हैं। माइनस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। 45 अपॉन 15 3 आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा 3। देखो एक और बड़ा अच्छा है, बैग वॉज सोल्ड फॉर अ लॉस की जगह भी इसको गेन कर देते हैं, फॉर अ प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है, ऑफ $10, इफ़ इट वॉज सेल फॉर $90 मोर, इट वुड हैव गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट वॉज द कॉस्ट ऑफ द बैग। तो 10 और 15 में कितने का फ़र्क होता है बच्चों, 5 का। अब बात सुनो, दोनों में प्रॉफिट है ना, तो याद रखो जब दोनों साइन एक हो, प्लस हो तो भी डिफरेंट लेते हैं, दोनों माइनस हो तब भी डिफरेंट लेते हैं, परसेंटेज डिफरेंट में एडअप तब करते हैं जब एक माइनस हो और एक प्लस हो। तो यहाँ 15 और 10 का फर्क 5, कितने रुपीज़ ज़्यादा है, 90 रुपीज़ ज़्यादा है, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर 1800 आ जाए। देखिए कह रहे हैं, रोनाल्ड बाउट अ ट्रक प्राइस एट $1600, ही वॉज गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10%, देन ही हैड पे अ 15% सेल टैक्स, व्हाट वॉज नेट अमाउंट पेड बाय रोनाल्ड। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 1600, और 25% का डिस्काउंट मिला, फिर 10% का मजीद डिस्काउंट मिला, 25 और 10, ठीक है जी, और फिर 15% पे किया उसने क्या, सेल टैक्स। तो बताइए कि नेट अमाउंट उसके पास कितना बचा। तो देखो पहले तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक डिस्काउंट, तो इसकी कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं है, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, एम प्लस एन माइनस एम एन अपॉन एन, किसी भी एक को एम मान लो एक को एन मान लो, 25 और 10 है, यहाँ मैंने पुट कर दिया 25 और 10, यहाँ 25 और 10 मल्टीप्लाई, ये 0 कैंसिल होगा, फिर ये कटेगा, तो इन दोनों का सम 35 है, यहाँ से 2.5 आया, 32.5। तो असूलन तो उसको 32.5% कम देने चाहिए थे 1600 से, लेकिन लेकिन कहानी में टू इसका आता है कि 15% उसको सेल टैक्स देने, तो 32.5 में से 15% कम करते, यानी इसका मतलब है कि उसको 17.5% की बचत हो,
75% अब किसका निकालेंगे, 1600 का। अब डेसिमल को कैसे कैलकुलेट करें, तो भाई इसकी आसान सी तरकीब क्या होती है, डेसिमल हटाते हैं तो ज़ीरो लग जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, दो ज़ीरो तो ये कैंसिल हो गए, ये फाइव के टेबल से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी, ये कटेगा एट से। अब 35 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, ये 280 की रकम आप किस में से माइनस करोगे 1600 में से, तो ये आ जाएगा 1320। और यही आपका बच्चों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जी। कार मैन्युफैक्चर सेल अ कार टू अ डीलर फॉर 20% प्रॉफिट, हु इन टर्न सेल इट टू अ रिटेलर फॉर 15% प्रॉफिट, द रिटेलर सेल इट टू कस्टमर फॉर अ 10% लॉस, द कस्टमर पे 6210 फॉर द कार, वॉट इज मैनुफैक्चर प्रॉफिट ऑन द कार। तो बड़े प्यारा सा, एक तो मैनुफैक्चर जिसने कार बनाई 20% प्रॉफिट लिया, डीलर ने 15% प्रॉफिट लिया और रिटेलर ने 10%। रिटेलर ने किसको बेची, कस्टमर को, कस्टमर ने कितने पे किए 6210। अब देखो पूरे चार्ट में हमें चाहिए मैन्युफैक्चर यानी फर्स्ट वैल्यू और दीवा दिया हुआ क्या लास्ट वैल्यू 6210। अब 100 यहाँ देखो अपॉन में x है, तो x की जगह हम 20 पुट कर देंगे, फिर 100 y की जगह 15 पुट कर देंगे, फिर 100 10 पुट कर देंगे। अब हो क्या रहा है भाई कैलकुलेशंस, ये आप बोलोगे सर माइनस क्यों, रीज़न है ना, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो z की वैल्यू मैं माइनस 10 ले लूँगा, y मैंने प्लस 15 ली थी, x प्लस 20 लिया था। अब काटम काटी बिल्कुल होगी जी, काटो जैसे कि ये ज़ीरो काटा हमने और ये ज़ीरो कट गया, ठीक है। अब जो बड़ा आसान है 621 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले यही काम करो, और अगर 9 से डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है तो देखो 3 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से 207 बचा, यहाँ से 3 बचा, अब मज़ीद काट दो ये 69 बच गया। और आपको आसान करना है, देखो ये फिर दोबारा 3 के टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से कर कर के एंड में हमारी कैलकुलेशन आती है, हमेशा रखो मल्टीप्लाई नहीं करो, वैल्यूज को कैंसिल करते हैं, कैलकुलेशन हमेशा आसान हो जाती है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चर में 5000 की खरीदी, ये तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि देखो 23 भी 115 से कटेगा, कट कटा के 5000 आएगा। अब 5000 की किसको पड़ी थी, मैन्युफैक्चर को। तो देखो सवाल में ट्विस्ट क्या है कि क्या पूछ क्या रहे हैं, मैन्युफैक्चर के प्राइस नहीं बल्कि व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चर प्रॉफिट ऑन द कार। अब मैन्युफैक्चर ने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची थी, बिल्कुल शुरू में था 20%, तो भाई बाद में आके किसको प्रॉफिट हुआ किसको लॉस हुआ इसका मैन्युफैक्चर से कोई ताल्लुक नहीं। मैन्युफैक्चर का हम देखेंगे 5000 का हम 20% निकाल देंगे जो कि कितना आएगा 1000, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी 1000 हो जाएगा।